नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं लेट्स क्रैक डिफेंस पे। बेटा जैसे कि आप सबको पता है, हम लेके चल रहे हैं ईडीएम। रोज आपको ईडीएम का टॉनिक मिल रहा है, 50+25 और अब बचे हैं अपने 25। चलिए देखते हैं आज उसको आगे बढ़ाते हैं। कल वाले सबने याद किए, कल वाले ईडीएम को सबने अप्रिशिएट किया और बच्चों ने कमेंट्स किए कि सर बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे से याद हो गया। तो चलिए बेटा क्यों ना इसको और आगे बढ़ाया जाए और आपको याद करवाया जाए। तो चलिए हमारी थीम भी सैल्यूट यू सोल्जर्स, दिल से सैल्यूट सोल्जर्स को और उन सिपाहियों को बेटा दिल से सैल्यूट जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है। और सबसे बड़ी बात, आप भी उसी क्रम में, आप भी उसी ऑर्डर में हो तो आपको भी मेरा दिल से सैल्यूट, क्योंकि फौज में जाने का फैसला हर किसी की बस की बात नहीं है। मेरा नाम है संजय कुमार शर्मा। सीडीएसएफ के सीएपीएफ डिफेंस की जितनी भी कोई एग्जाम है उसमें इंग्लिश हो चाहे एसएसबी हो बेटा, मैं उसको डील करता हूँ, उसको टैकल करता हूँ और बच्चों को देता हूँ ट्रेनिंग। चाहे एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप की जीडी हो, चाहे एनडीए एफकैट सीडीएस इनकी एसएसबी हो। दो डिफेंस एकेडमी रन कर रहा हूँ और मैंने खुद एसएसबी पास आउट हूँ जैक का, और 15 साल से ज़्यादा का बेटा मेरे पास टीचिंग अनुभव है। यह है मेरा परिचय। अब बात आती है अपने सब्सक्रिप्शन की। तो बेटा ये तो तुम्हारा सबसे बड़ा अधिकार है, तुम ले सकते हो सब्सक्रिप्शन, तुम्हें पढ़ाई करने से कौन रोक रहा है। एक शेड्यूल्ड स्टडी करनी है तो आप जा सकते हैं अन अकेडमी के सब्सक्रिप्शन से। बेटा 6,480 रुपये, 7,920 रुपये और 11,520 रुपये, बोले तो 480 रुपये प्रति माह में आप भारत के टॉप एजुकेटर से अगर एजुकेशन ले रहे हैं, घाटे का सौदा नहीं है भाई, घाटे का सौदा नहीं है, बहुत ही समझदारी का सौदा है। बोलते ना गुड डील, सुपर्ब डील है। और दूसरी बात, पढ़ाई पे किया हुआ इन्वेस्टमेंट डीलिंग में आती नहीं है। पढ़ाई पे किया हुआ इन्वेस्टमेंट बेटा, अगर आप एक मैगजीन खरीदते हैं 20 रुपए की और उसमें से आपने बहुत कुछ चीजें अगर सीख ली है तो वो इन्वेस्टमेंट है आपका, वो लाइफ में कभी ना कभी कैसे ना कैसे काम में आ सकता है। तो जितना पढ़ोगे, आज भी बेटा बड़े से बड़े जो उद्योगपति हैं, बिल गेट्स की अगर हम बात करें तो वो आज भी अपने पूरे दिन में मैक्सिमम समय रीडिंग को देते हैं। तो बेटा पढ़ाई पे किया हुआ इन्वेस्टमेंट कभी जाया नहीं जाएगा। कई बच्चे कहते हैं कि सर कि 11,520 उनको महंगा लगता है 480 रुपये। बेटा एक काम करो, तुम किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाओ, वहाँ पे 2 जनों की खाना मंगवा लो या रिफ्रेशमेंट मंगा लो, 500-600 का बिल आराम से बनना है यार। 90-100 रुपये की तुम लोग पेप्सी की बोतल पी जाते हो जो स्वास्थ्य के लिए कहीं ना कहीं हानिकारक होती होगी। पढ़ाई नहीं कर सकते हम, इतना इन्वेस्टमेंट हम पढ़ाई पर नहीं कर सकते, बड़ी अजीब बात है। खैर एक बच्चे ने कहा था तो मैंने उसको साझा कर दिया आपके सामने, यार एक एक शर्ट मत पहनो, वर्दी लेनी है तो कहाँ दिक्कत है, एक नया शर्ट मत खरीदो, वर्दी प्राप्त कर लिया। ये तुम्हारी मेंटेलिटी है बेटा। वैसे हम तो YouTube पे आपको क्लास दे रहे हैं और स्पेशल क्लासेस भी देते हैं, लेकिन एक ऑर्डर में अगर क्रम में आप तुम पढ़ना चाहते हो, इंग्लिश ही नहीं उसमें GS भी आती है, मैथ्स भी आती है, सब चीज़ें आती है, और वो भी अलग अलग ट्रेनर से बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हो, यू कैन गो थ्रू योर सब्सक्रिप्शन। मैं आपका फायदा इतना ही करवा सकता हूँ कि एक तो मैं आपको सलाह दे सकता हूँ कि कौन सा लेना है, और दूसरी बात मैं आपको सुझाव दे सकता हूँ कि कैसे पढ़ना है। मेरा कोड यूज करो और मुझसे नोट्स प्राप्त करो। कोड यूज करने पे आपको मिलेगा डिस्काउंट भी बेटा, मौद्रिक रूप से भी मैं आपको फायदा पहुंचाऊंगा। और बाकी संपर्क कर लेना, नंबर आपके सामने, कोई नंबर देते नहीं है, मैं चला के नंबर दे रहा हूँ बेटा, पूछो। नंबर इसलिए देते कि हम हैं किसके लिए, बच्चों के लिए तो हैं। अब इसमें भी हम अगर एटीट्यूड दिखाएं नंबर ना देना, ये सब ना, ये हमारे बस की बात नहीं। चलिए भाई मिशन 2020 90 डेज कोर्स CDSF CAT CAPF NDA Air Force Navy विद द प्रिपरेशन ऑफ SSB इंटरव्यू। जुड़िए इससे, इस कोर्स से, और अपने आप को अलग प्राप्त कीजिए कि हाँ भाई कुछ तो किया है हमने, क्योंकि बेटा इन कोर्सेज में हमारी बहुत मेहनत लगती है।
चलिए कल हमने फुल टिल्ट तक कर लिया था, क्यों? इसलिए मैंने इसको 00 नाम दिया है, क्योंकि 25 करेंगे, 25 में ये शामिल नहीं है, हमने कल कर लिया था। और फुल टिल्ट का मैंने आपको पढ़ाया था क्या, विथ मैक्सिमम एनर्जी। With maximum energy, with एक मिनट बेटा, where is my water bottle? कहाँ रख दी मैंने? चलो ठीक है, देखते हैं, here it is। क्योंकि अब मैं आपको with maximum energy के साथ पढ़ाने वाला हूँ, इसलिए full tilt। हम भी पानी पी लेते हैं अभी। कल आपको एक घोड़े की कहानी से मैंने पूरे ये सिखाए थे यार, और फुल टिल्ट हो गया विद मैक्सिमम एनर्जी। चलो ये तो हो ही गया था। ईडी गोट, ईडी गोट, स्कैप गोट, स्कैप गोट बलि का बकरा, ये गीडी गोट मूर्तापूर्ण कार्य करना। जो बलि का बकरा वही बनता है जो मूर्तापूर्ण कार्य करता है। समझदार को कौन बलि का बकरा बनाएगा ये बताओ? समझदार को कौन बेटा फंसा सकता है? अब बलि का बकरा तो वही बनेगा जो क्या करता हो, एक्ट फुलिशली। जो कृत्य क्या करता हो, फुलिशली करता हो। जो एक्ट फुलिशली इज नोन एज गीडी गोट। बकरी, अबे बकरी है क्या तुम? बोलते ना बकरी की जैसे मत कर, मतलब नेवर एक्ट फुलिशली। याद करने की बात है बेटा, याद कर लेंगे। ए लाफिंग स्टॉक, सर ये बात सुन के हमें हंसी आ गई तो लाफिंग स्टॉक हो गया, तो ये एक ऑब्जेक्ट हो गया लाफ्टर। एक ऐसा एलिमेंट जो हंसी, जिसको देख के हंसी आए, एन ऑब्जेक्ट ऑफ लाफ्टर। कट शॉट, कट शॉट, कट शॉट क्या होता बेटा? यार किसी की बात को तुमने शॉर्ट कर दिया, कट कर दिया यार, बात के बीच में आगे टांग बजा दी तूने, इंटरप्ट कर दिया तूने बीच में, भाई कट शॉट बात को, यार मेरी कट मत किया कर, शॉर्ट है ना, इंटरप्ट। कट शॉट क्या हो गया बेटा? इंटरप्ट करना। तो लाफिंग स्टॉक क्या हो गया? एन ऑब्जेक्ट ऑफ लाफ्टर। चलो भाई क्या बातें पढ़ ली हमने, क्या क्या पढ़ लिया? बकरी, सर ये तो एक ऑब्जेक्ट हो गया लाफिंग वाला। चलो याद करने का तरीका, शॉर्ट में बात यही है, इंटरप्ट करना। फ्रॉम स्टेम टू स्टर्न, फ्रॉम स्टेम टू स्टेम, इसका अर्थ क्या होता है? फ्रॉम स्टेम टू स्टेम का बेटा अर्थ बताओ फटाफट। आपको समय देता हूं, थोड़ा पढ़ लो, इसमें चार ऑप्शन है, थोड़े नजदीकी ऑप्शन है, पढ़ लीजिए। From stem to stern, जो सोचा उससे अलग निकलेगा बेटा, सुन लेना, समझ रहे हो? जो सोचा उससे अलग निकलेगा। सोच लिया? क्या सोचा? पहले तो बकरी वाली बात आई थी, एक्ट ऑफ फुलिशनेस, फिर क्या था? लाफ्टर स्टॉक, हंसी का एक ऑब्जेक्ट, फिर आपने मुझे इंटरप्ट किया था, कट शॉर्ट है ना, कट शॉर्ट मत किया करो भाई, इंटरप्ट मत किया करो। अब ये स्टेम टू स्टर्न क्या है? इसका रिलेशनशिप से आएगा बेटा, ऑल द वे फ्रॉम द फ्रंट ऑफ ए शिप टू द बैक। अच्छा, शिप के फ्रंट से लेकर बैक तक,
फ्रॉम स्टेम टू स्टर्न। वैसे इंडिविजुअली स्टर्न का अर्थ क्या होता है, कठोर होता है, और स्टेम का मतलब डंठल उसको कहते हैं, और भी कई अर्थ होते हैं, लेकिन इसका अर्थ तो क्या है, ऑल द वे फ्रॉम द फ्रंट ऑफ ए शिप टू द बैक। अरे आप तो स्टेम और स्टर्न जहाज है, वहां पे संबंध किसका आएगा बेटा, वहां पे संबंध आएगा शिप का, वहां पे संबंध आएगा शिप का, ओके, हाँ शिप का आएगा, याद करवा दूंगा, डोंट वरी माय डियर। अप ए ब्लाइंड एले, अप ए ब्लाइंड एले का बताओ भाई पांचवा, भाई देखो एले का मतलब क्या होता है, एक तो होता है एलोय, एक होता है एले। अब एले का मतलब स्ट्रीट होता है, गली भी होता है उसका अर्थ, समझ गए, और गांव में बोलते हैं बेटा क्या, गांव में बोलते हैं पगडंडी, पगडंडी भी इसको क्या बोलते हैं, एले कहते हैं। अप ए ब्लाइंड एले, पगडंडी, स्ट्रीट, गली, ये सब एले का अर्थ होता है। और सबसे बड़ी बात बेटा, अगर मैं इसमें ई हटा दूं, अगर मैं इसमें से ई हटा दूं तो क्या इसका अर्थ होता है, अगर मैं इसमें से ई हटा दूं तो क्या अर्थ होता है, मित्र, दोस्त, और एलोय मिक्सचर, एलोय होता है मिक्सचर, एले होता है गली स्ट्रीट, और एली होता है मित्र। तो चलो अप ए ब्लाइंड एले, इसका मतलब अंधा है कहीं ना कहीं, आंखें बंद है, मतलब ऐसा काम करना। बोलेंगे कोर्स ऑफ एक्शन दैट इज सर्टेन, जो कि निश्चित है लीड करने के लिए, दैट इज सर्टेन टू लीड टू एन अनडिजायरेबल आउटकम, अनडिजायरेबल आउटकम, अनडिजायरेबल है, इच्छित नहीं है, डिजायर ही नहीं है, और उसके तरफ जाने की तुम्हारी क्या होगी, लीड करोगी एक ऐसा कोर्स ऑफ एक्शन जो कि निश्चित है कि तुम इच्छा नहीं कर रहे हो लेकिन तुम वहां पे जाओगे, ठीक है भाई, हो सकता है। डिजायरेबल इच्छित, अब इच्छा कर रही है और अनडिजायरेबल इच्छा नहीं कर रही है। ब्लाइंड क्या होता है इंसान, ब्लाइंड जो होता है इंसान वो ना चाहते हुए भी कहीं अनडिजायरेबल जगह पहुंच जाता है, जैसे बेचारे को जाना किधर हो, बेटा देखो आंख है तो सब कुछ, ईश्वर ने हमें बहुत अच्छे से बनाया है, हमें देखो कैबिनेट दिया है, हमें सीपीयू दिया है, हमें पता नहीं कितने मेगापिक्सल का कैमरा दिया है, हमें देखो एयर प्यूरिफाइंग के लिए क्या दिया है, नाक दिया है, चक्की दी है जिसको पीसो और खाओ, और यहाँ पे देखो पूरा पचाने के लिए ऊर्जा का स्रोत, यहाँ से फेफड़े दिए हैं जो कि क्या है एक तरह से शुद्धता करते हैं, पंप दिया है, मोटर दिया है जो पूरे शरीर में खून को क्या करता है, पंप करता है। भाई इंसान बहुत सुपीरियर कृति है। अब आंख जिसके पास नहीं है बेचारा, उसको जाना किधर है, वो चला जाता किधर है, उसका आउटकम क्या आता है, अनडिजायरेबल आता है। तो जहां भी ब्लाइंड का बात आए वहां पे अनडिजायरेबल, और एले का अर्थ आए गली, तो वहां पे आप ध्यान रखना बेटा अनडिजायरेबल आउटकम जरूर आएगा। एक ऐसा कोर्स ऑफ एक्शन जिसमें आप अनडिजायरेबल आउटकम की तरफ अग्रसित होगे, बढ़ोगे। ए डेफ्ट एज ए ब्रश, चलिए भाई छठवा, एक्सट्रीमली सिली, एक्सट्रीमली सिली, सिली मूक या काइंड होगा, सिख होगा कि ओल्ड होगा, काइंड मतलब दया,
सिख मतलब बेटा बीमार, ओल्ड मतलब बेटा बूढ़ा। अब बताओ बेटा ये आपके ऊपर है, आप बताओ क्या होगा इसका, बताओ बेटा। एक शब्द तो साफ साफ पता चल, मंद बुद्धि बालक डाफ्ट होता है, समझ गए। तो यहां पे कोई भी काम होगा वो होगा तो नेगेटिव, तो वो हो गया मूर्ख की बात चल रही है, मंद बुद्धि। तो इसका आंसर क्या हो गया, एक्सट्रीमली सिली। फिर आता है बेड ऑफ रोजेस, बेड ऑफ रोजेस, वेरी शॉर्ट बेड, डल लाइफ, बिलोंग टू लाइफ इज नॉट बेड ऑफ रोजेस। बेटा ये तो बहुत बार सुना होगा, लाइफ इज नॉट बेड ऑफ रोजेस। ये जो लाइफ है ये हमेशा तुम्हें एंजॉय देखो जरूरी नहीं है, लाइफ इसकी वजह से है, इस मशीन, इसी मशीन की लाइफ में उतार चढ़ाव तो बना रहता है। अब इस उतार चढ़ाव में कभी कभार, उतार चढ़ाव में कई बार ऐसे भी हो जाता है, इसको बोलते हैं डेडलाइन। गया काम से, जब तक उतार चढ़ाव है तब तक ही सही है, और जब एकदम न्यूट्रल हो गया तब गया। ये तो एक लाइफ की सीख है। इसलिए बेटा अपने आप को हमेशा तैयार रखो उतार चढ़ाव के लिए। तो लाइफ इज नॉट बेड ऑफ रोजेस मतलब फुल ऑफ जॉयज। भैया फूलों का बिस्तर तुम्हें मिल जाए इसका मतलब क्या है, फुल ऑफ जॉय। चलो किसी की जबान पकड़ लेना, होल्ड कर लेना। अब जबान पकड़ने की बात क्या थी, पकड़ के देख लो अपनी जबान क्या हो जाएगा, एक्सपेरिमेंट कर लो, प्रैक्टिकल करके देख लो। जबान को जब तुम पकड़ोगे तो चुप हो जाओगे, कीप क्वाइट, पकड़ो जबान। यार ये तो सरल है भाई, बहुत सरल है सर, ये भी सरल है। हैंग फायर, फायर का मतलब आग, और सर हैंग का मतलब तो लटकाना होता है। लगाओ दिमाग, क्या हो सकता है। देखो यू आर माई फायर द वन डिजायर, फायर जोश और जुनून होता है, ठीक है, तुम मेरी आग है, लेकिन आग का मतलब नेगेटिव भी होता है, और जो आग अटक गई लटक गई तो इश्यू ऐसा था जो सुलझा ही नहीं। बेटा कोई चीज लटक गई, पतंग उड़ रही थी, उड़ते उड़ते कट गई, कट के वो पेड़ में अटक गई, अब वो ना नीचे आई ना ऊपर आई। तो भाई ऊपर उड़ती तो ठीक है, उड़ती अच्छी लगती, और नीचे आती तो किसी को मिलती, अब नहीं मिली, वो क्या हो गया, अनरिजॉल्व्ड इश्यू, अनरिजॉल्व्ड, जिसको सॉल्व नहीं किया गया। एक ऐसी जो अटक गई हवा में, हैंग हो गई। हार्ड नोज्ड एटीट्यूड, हार्ड नोज्ड एटीट्यूड क्या होता है बताओ बेटा। हार्ड नोज्ड एटीट्यूड क्या होता है, सोचो सोचो, और क्या होगा जरा बता दो बेटा। दस के बाद रिवीजन करेंगे, डोंट वरी, बकरी से शुरुआत हुई थी अपनी,
नोज हो गया हार्ड और एटीट्यूड। यार ये शब्द एटीट्यूड नेगेटिव है क्या भाई? एटीट्यूड में दिखा यार, एटीट्यूड में दिखा। तो एटीट्यूड तो सब में होता है यार, ईगो, इगोइस्ट, एग्रेसिव, साइनिक, ये सब पर्सनैलिटी जरूर हो सकती है। चलो नेगेटिव भाई, एटीट्यूड का मतलब होता है बिहेवियर। अब अगला बिहेवियर नहीं दिखाएगा तो क्या दिखाएगा? लेकिन एक ऐसा बिहेवियर जो हार्ड नोज्ड हो, एग्रेसिव, क्या होगा? एग्रेसिव, गुस्सेल, गुस्सा वाला, शॉर्ट टेम्पर, बैड टेम्पर, एग्रेसिव, एग्रेसिव, गुस्सा वाला। शुरुआत हुई थी बकरी से और लोगों ने हंसा था उसके ऊपर, समझ रहे हो? अब देखते हैं क्या है, क्या है, क्या है, क्या है। गिडी गोट, अब इसको अपन क्या करते हैं देखो। गिडी गोट बन, नहीं भूलेंगे हम, अ लाफिंग स्टॉक, एन ऑब्जेक्ट ऑफ लाफ्टर। लाफिंग स्टॉक का मतलब हो गया एन ऑब्जेक्ट ऑफ लाफ्टर। सर कर दे क्या डन, रोका किसने है? कर दीजिए डन, कट कट शॉर्ट। यार इंटरप्ट कर दिया बकरी की बात, चलते चलते कहीं दूसरी बात लेके जा रही है। बकरी की बात हुई थी, लाफिंग स्टॉक थी, अब इसने कट स्टॉक बीच में इंटरप्ट कर दिया, अब नई बात करेंगे। From stem to stern, अलग सी बात कर रहा है। All the way from the front of the ship to the back, अरे कहाँ जहाज की बात आ गई, ship की front से लेके back तक। हाँ तभी तो मैं कह रहा हूँ, up a blind alley, undesirable outcome की तरफ जा रहा है। बात चल रही थी बकरी की, बकरी का क्या हो गया, laughter stock हो गया, और बीच में क्या हो गया, उसने interrupt कर दिया। Interrupt कर दिया तो क्या हो गया? From stem to stern, cut short कर दिया था। अब पे ब्लाइंड एली हो गया, एज डाफ्ट एज ए ब्रूट। अरे भाई इतना मूर्ख मत बनो, लाइफ जो है वो बेड ऑफ रोसेस नहीं है, मेहनत तो करनी पड़ेगी। इसलिए हर किसी को गलत मत बोलो, ओल्ड वन स्टंग, वरना तुम्हारे सारे के सारे जो इश्यूज हैं वो अनरिजोल्व रह जाएंगे। और हाँ, अपने इस हार्ड नोज एटीट्यूड को सुधार लो, एग्रेसिव एटीट्यूड। बात चल रही थी बकरी की, लाफ्टर की, बीच में इंटरप्ट कर दिया, कट शॉर्ट। शिप की बात चल रही थी, देखो शिप की बात चला दी, ये रही। अब शिप की बात चला दी, एकदम गलत बात चला इसने, शिप की बात गलत चला दी। और शिप की बात चला दी तो उसने क्या कह दिया कि भाई तू तो क्या हो गया, अनडिजायरेबल गोल की तरफ जा रहा है, ब्लाइंड्स एले, ब्लाइंड्स एले। उसके बाद क्या हुआ, मूर्ख आया, एज डाफ्ट एज ए ब्रूस, एक्सट्रीमली सिली, व्यवहार नहीं करना चाहिए। लाइफ हमेशा बेड ऑफ रोजेस नहीं होती है, इसलिए सोच समझ के बोलो, कीप क्वाइट, वरना रिजोल्व करे जाएंगे आपके इश्यूज जो है वो अनरिजोल्व रह जाएंगे। हार्ड नोज एटीट्यूड एग्रेसिव होता है। चलिए बेटा हरकुलियन टास्क, वेरी डिफिकल्ट टास्क। चलिए ग्यारहवा, हरक्यूलियन एक योद्धा, एक वॉरियर था जिसको टास्क दिए जाते थे और वो टास्क बड़े डिफिकल्ट होते थे, और हरक्यूलियन
उसको क्या करता था, सॉल्व करता था। चलिए, वेरी डिफिकल्ट। सेव्ड बाय द बेल, सेव्ड बाय द बेल। अब इसका मतलब ये हुआ, सेव्ड, यार एक और है इसका, एट द 11th आर, इन वक्त पे आके, मुकर मत जाना, वो हो गया एट द 11th आर, इन वक्त पे, आखिरी क्षण में। और यहां पे ये क्या हो गया, सेव्ड बाय द बेल, इसका मतलब आखिरी क्षणों में उसको बचा लिया गया, आखिरकार उसको बचा लिया गया। कैसे मान लो, सेव्ड एट द लास्ट मोमेंट, पुल ए फास्ट वन, ये तो अपने आप पता चल रहा है सेव्ड बाय द बेल का, पुल अ फास्ट वन। 13th, ट्रिक खेलना, ले आ ट्रिक, प्ले आ ट्रिक। चलिए बेटा, पुल ए फास्ट वन, प्ले आ ट्रिक, ट्रिक खेलना, बेटा जानते हो ट्रिक क्या होती है? ट्रिक का मतलब चालबाजी भी होती है, और ट्रिक का मतलब होता है शॉर्टकट, कई प्रकार से आते हैं। तो पुल ए फास्ट वन, तो आप क्या कहते हो, सर फास्ट फास्ट समझा दो, सर कोई ट्रिक लगा दो, सर फास्ट फास्ट समझा दो, कोई ट्रिक लगा दो, तो पुल ए फास्ट वन, प्ले ए ट्रिक होगा सर। मैंने सर सारे पत्थर पलट पलट कर देख लिए, मोती मुझे कहीं नहीं मिला। बेटा सारे नहीं देखे वरना तो मोती मिल ही जाता, इसलिए कहता हूं लीव नो स्टोन अनटर्न, पूरी मेहनत करो, ट्राई एवरी पॉसिबल वे। होगा क्या इसका बता दो, देखे फटाफट, ट्राई एवरी पॉसिबल वे होगा क्या इसका, लीव नो स्टोन अनटर्न, भरसक प्रयास करना, हर पत्थर को पलट पलट के देखना। डंकीज ईयर्स, डंकीज ईयर्स क्या होता है बेटा, गधा, गधे को नेगेटिव में बहुत लिया जाता है, समझ रहे हो, और गधे को लेबोरियस के रूप में भी लिया जाता है। तो डंकी को सिली फूल के लिए और डंकी को लेबोरियस के लिए। अब यहां पे डंकीज ईयर्स का मतलब क्या हो गया, ये तो हो गया भैया लंबा समय, अ लॉन्ग टाइम, लंबा समय। सोलवा, इन ए फ्लटर, बताओ भाई, चलो समय दिया, जब तक मैं चाय लेता हूं आप भी बताओ क्या होगा इसका। इन ए फ्लटर, टू बी डिप्रेस्ड, इन लो स्पिरिट, एक्साइटेड, प्रोमिनेंट, बताओ भाई। बहुत ज्यादा फड़फड़ा रहा है, क्या बात है, आज किस बात को लेके फड़फड़ा रहा है भाई, बहुत ज्यादा फुदक रहा है इंसान, फड़फड़ा था, फड़फड़ा था तो वैसे भी हो सकता है कि चलो कोई मारने पे, लेकिन फुदक रहा है, तो फुदक रहा है मतलब हवा में उछल रहा है, वो एक्साइटेड है, कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड लग रहा है। इन्हें फ्लटर का क्या होगा, एक्साइटेड।
चलिए 17 बताइए। एवरी टार, एवरी टार का अर्थ क्या होगा? यूटोपियन बताया था ना आपको पहले, नेवर नेवर लैंड। अरे भाई याद करो, नेवर नेवर लैंड करवाया था आपको, 31 नंबर का था वो, शायद 31 का था वो, मैंने आपको करवाया था। नेवर नेवर लैंड का मतलब था एन इमेजिनरी वर्ल्ड, तो एवरी थार का मतलब भी क्या होगा, एक काल्पनिक दुनिया। चलिए मेली माउंटेड 18वां बताना बेटा। लाफिंग लूजिंग टेम्पर हार्ड शॉर्ट स्पोक, कई लोग बहुत कैंटक्रस बोलते हैं, बहुत ही कठोर बोलते हैं, और कई लोग होते हैं बेटा बहुत ही शॉर्ट स्पोक। तो मैली माउंटेड का मतलब होता है सॉफ्ट स्पोकन, बटन हर लिप, बटन हर लिप। ये क्या, बटन तो लगे होते शर्ट में, लिप के ही बटन लगा दिया। अब तो बेटा ये तो दिमाग लगा लो, जब लिप के बटन लगा दोगे, अरे शर्ट के बटन लगा दो, शर्ट क्या होता है बंद, तो यहां पे भी क्या हो जाएगा, बटन लिप मतलब स्टॉप टॉकिंग। बेटा लास्ट अपने बच्चे हैं 6, लास्ट अपने बच्चे हैं 6, बटन हर लिप हो गया स्टॉप टॉकिंग, लिप के लगा दी बटन तो बटन हो गया बंद, बटन हो गया बंद तो बोलना हो गया बंद। मैली माउंटेड का मतलब हो गया सॉफ्ट स्पोकन। एक बार रिविजन करवा दूंगा बेटा। इन ए नटशेल, सारांश में, ब्रीफली एंड कंसाइजली, ब्रीफली का मतलब होता है सारांश में, ब्रीफली शॉर्ट में। इन ए नटशेल आई वुड लाइक टू टेल, इसका मतलब सारांश में मैं कहना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू पुट माई व्यूज इन ए नटशेल, सारांश में, अंत में, तो ब्रीफली एंड कंसाइजली हो गया नटशेल। बाय एंड लार्ज, इसका मतलब भी क्या होता है सारांश में। व्हील एंड वू, व्हील एंड वू, बताना बेटा क्या होगा। आपको वैसे भी रिवीजन करवाना मुझे। कभी धूप तो कभी छाव, इसको कहते हैं व्हील एंड वू, गुड टाइम्स एंड बैड टाइम्स। चलिए बेटा या तो 25 कर लेते हैं फिर एक साथ कर लेंगे, चलो अब तो 25 ही करने हैं। 22वां, ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, अपनी बीन खुद बजाना बेटा, अपनी तारीफ के पुल खुद बांधना, ब्लो वंस ट्रम्पेट कहलाता है। टू प्रेज वन सेल्फ,
अपनी धुन खुद बजाना, ट्रम्पेट मतलब एक वो होता है यंत्र शहनाई टाइप, तो अपनी बीन खुद बजाना। मूट पॉइंट 23वां, बेटा हमने जब एलएलबी की थी तो वहां पे होता था मूट कोर्ट। मूट का मतलब होता है डिस्कस करना, डिबेटेबल पॉइंट। क्या होता है डिबेटेबल पॉइंट? उसको कहते हैं मूट कोर्ट, मूट पॉइंट। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। नेक एंड क्रोप 24वां, पूर्णतया नेक एंड क्रोप कंप्लीटली। नेक गर्दन, क्रोप फसल, और फसल में जब नेक तक आ रहे हो ढके हुए तो पूरे ढके हुए आ रहे हो। चेक बाय जॉल, बहुत ही नजदीक एक दूसरे के, वेरी क्लोज टुगेदर। चेक बाय जॉल, वेरी क्लोज टुगेदर, बहुत ही नजदीक एक दूजे के। चलिए भाई 25 हो गए, अब फटाफट रिवीजन का टाइम हो गया है, रिवीजन का टाइम हो गया, फटाफट लेट्स सी। बेटा ये हमने मात्र 36 मिनट में, 37 मिनट में ये पूरा किया है, मात्र 37 मिनट में हमने 25 पूरे किए हैं। अब जरा फटाफट रिवीजन कर लेते हैं और 10 मिनट में हम इसका रिवीजन करेंगे, पूरा याद करेंगे। फुल टिल्ट विथ मैक्सिमम एनर्जी डन, और ये तो हमने लास्ट स्लाइड में कर लिया था। गिडी गोट, गिडी गोट का मतलब होता है टू एक्ट फुलिशली। फिर लाफिंग स्टॉक एन ऑब्जेक्ट ऑफ लाफ्टर, शॉर्ट कट शॉर्ट इंटरप्ट, बीच में टांग अड़ाना, कट शॉर्ट बीच में टांग अड़ाना, इंटरप्ट करना। फ्रॉम स्टेम टू स्टर्न शिफ्ट से संबंधित है, और शिफ्ट के शुरुआत से लेके एंड तक। ब्लाइंड एले आ गया, मैंने आपको पहले कहा था कि वो अनडिजायरेबल जाएगा, अनडिजायरेबल आउटपुट जाएगा, आउटकम। एज डाफ्ट एज ए ब्रश, एक्सट्रीमली सिली। डाफ्ट का मतलब होता है मूर्ख, और मूर्ख के लिए क्या आ गया सिली। गेटिंग बेड ऑफ रोजेस, आराम के दिन, फुल ऑफ जॉयज। ओल्ड वंस टंग, पकड़ के देख लो, चुप हो जाएगी जबान, टू कीप क्वाइट। हैंग फायर, बात तो टकी, रिजोल्व तो हो ही नहीं, क्या हो गई अनरिजोल्व रह गई, तो वो जो फायर है वो हैंग की हैंग रह गई, अटक के रह गई। हार्ड माउस एटीट्यूड, पता चल गया होगा आपको देखते ही, एग्रेसिव। और हरक्यूलियन टास्क, वेरी डिफिकल्ट टास्क। सेव्ड बाय द बेल, घंटी बज गई, सेव्ड इसका मतलब सेव्ड एट द लास्ट मोमेंट, एट द 11th था। पुल ए फास्ट वन, एज फास्ट ए लाइटनिंग, प्ले ट्रिक, कैरी ए हेवन बुड। भाई पुल है फास्ट वन, इसका मतलब क्या है, ट्रिक खेलना, क्या हो गया ट्रिक खेलना। लीव नो स्टोन अनटर्न, लीव नो स्टोन अनटर्न, क्या क्या होगा इसका। ट्राई एवरी पॉसिबल, बेटा देखो मैं तुमसे एक ही बात कहता हूं कि लाइफ में आप भी कोई भी स्टोन को अनटर्न मत छोड़ो, वरना रिग्रेट करोगे, क्योंकि अभी है तुम्हारे पास एज, और इस एज में अगर तुम कुछ अच्छा कर लेते हो तो बेहतरीन है बेटा। सो आई सजेस्ट यू, नेवर एवर लीव नो स्टोन अनटर्न, जस्ट गो थ्रू, ग्रैब द अपॉर्चुनिटी एंड अवेल इट।
अवसर को भापना और उसको पकड़ना, उसको जानना बहुत जरूरी है। मूर्ख इंसान वो होता है जो अपॉर्चुनिटी को ना समझे। अभी तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटी क्या है? तुम्हारी जॉब। बेटा अवसर को समझो, अवसर को समझ के उस अवसर को ग्रैब करने वाला ही व्यक्ति समझदार होता है। और अवसर लाइफ में आते हैं, उस अवसर को छोड़ते जाता है, वह इंसान क्या होता है? मूर्ख होता है। क्योंकि फिर जो अवसर है वो भी उसके साथ, उससे क्या होता है? मुंह फेर लेता है। तो लीव नो स्टोन अनटर्न का मतलब हो गया हर संभव प्रयास करना। यंकीज ईयर, बहुत लंबा समय, पता नहीं सर ये 2020 मुझे तो डंकीज ईयर जैसा दिख रहा है कि बहुत लंबा समय लेगा। COVID-19 आ गया, पता नहीं कितनी गड़बड़ चल रही है। फ्लटर फड़फड़ाना, एक्साइटेड, यहां पर क्या हो गया बच्चों? एक्साइटेड हो गया। एवरीटार, इमेजिनरी वर्ल्ड, काल्पनिक विश्व, यूटोपियन वर्ल्ड, कल बात भी चली थी, नेवर नेवर लैंड बताया था। मेली माउंटेड, सॉफ्ट स्पोकन, सॉफ्ट स्पोकन, बटन हर लिप, स्टॉप टॉकिंग, स्टॉप टॉकिंग, इन ए लट शेल, अ डेकोरेटिव लैंग्वेज, क्या ये होगा? सॉरी, ये होगा ब्रीफली एंड कंसाइसली। डी, इन ए नट शेल, ब्रीफली एंड कंसाइसली। वेल एंड वू, अच्छा समय और बुरा समय, गुड टाइम्स एंड बैड टाइम्स। चलिए बेटा बहुत अच्छी बात है, यहां तक पहुंच गए। ब्लो वन सॉन ट्रम्पेट, टारगेट पूरा हो रहा अपना, ब्लो वन सॉन, अपनी धुन खुद बजाना, टू प्रेज वन सेल्फ। और मूड पॉइंट, मूड बोर्ड, डिबेटेबल पॉइंट, नेक एंड क्रोप, फसल नेक तक आ रही है। चलो बेटा, चेक बाय जॉल, चेक बाय जॉल, वेरी क्लोज टुगेदर, बहुत ही नजदीक। चलिए भाई, हमने टारगेट पूरा किया अपना, हमने 100 क्या, 100 पूरे किए हैं बेटा, तो कॉन्ग्रेचुलेट तो होना ही चाहिए ना। हमने 100 EDM पूरे किए हैं बेटा जी, और सभी याद करवाए आपको, पहले 50, फिर 25। बच्चों ने कहा कि सर एक साथ याद नहीं होंगे, तो ये लो बेटा हमने कम कर दिए, 25 25, अब तो याद हो गए। अब इसका हम ले लेंगे टेस्ट आपका जल्दी, ओके, इसका हम क्या ले लेंगे? टेस्ट। तो इन्हीं प्रश्नों का टेस्ट ले लेंगे ताकि पता चले तुम्हारे स्कोर 100 में से 100 आ रहे हैं क्या, लेकिन लेंगे अलग तरीके से। चलिए बेटा, बहुत बड़ी, बहुत अच्छी बात, हमने 100 EDM कर लिए है, आज के लिए इतना काफी है। और जय हिंद, जय भारत। अब नेक्स्ट जो आएगा वो क्या रहेगा वो सुना, वो बता देता हूं मैं आपको, वो मैं आपको बता देता हूं। अगला जो अपना रहेगा वो रहेगा, अगला जो अपना टारगेट रहेगा वो रहेगा बेटा 1 वर्ड का। वो किसका रहेगा? 1 वर्ड का। अब हम पढ़ेंगे क्या, 1 word, ओके, 1 word पूरे करेंगे अब।
अगली क्लास 50 वन वर्ड की होगी, अगली क्लास 50 वन वर्ड की होगी। जैसे कि हमने 100 ईडीएम का टारगेट पूरा किया, अब 50 वन वर्ड पढ़ेंगे। ओके बेटा, चलिए बाय बाय गाइस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। आज के लिए इतना काफी है। जय हिंद, जय भारत।